अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि वॉइस ओवर करना चाहिए। आई डोंट मच इन टू वॉइस ओवर, बट अगर आप लोग कहते हैं कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में वॉइस ओवर करूँ तो आई विल गो फॉर द वॉइस ओवर। अदरवाइज मैं जस्ट एक बैकग्राउंड म्यूज़िक प्ले कर दूँगी और मैं मेकअप अप्लाई कर रही हूँगी। आई थिंक आप लोग सब देख सकते हैं कि मैं क्या चीज़ किस तरह कैसे अप्लाई कर रही हूँ। डू यू थिंक के वॉइस ओवर करना ज़रूरी है? आप मुझे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन करते हैं। बाकी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स एंड ईच एंड एवरी थिंग आई विल मैंशन यहाँ पर। मैं जो फर्स्ट अपनी आईब्रोज़ बनाऊंगी, आईब्रोज़ आज मैं जिस तरीके से बना रही हूँ वो आप लोग देखते जाएं कि मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले मैं फाउंडेशन अपने आई एरिया पे अप्लाई करूँगी, ग्लैमरस फेस की मेरे पास फाउंडेशन है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। मैं इसको अगर आप बिगनर हैं और आप लोगों को आईब्रोज़ सेट करने का इशू है तो आप इस तरह से आईब्रो सेट कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इससे ये होता है कि पहले आप अपनी आईब्रोज़ की बेस, अपनी आई बेस सब इक्वल कर लेते हैं, उसके बाद आप अपनी आईब्रोज़ बनाते हैं। इसी तरह जिस तरह हम फेस पे अपनी बेस अप्लाई करके मेकअप अप्लाई करते हैं, तो इसी तरह हम आईज़ पर भी अपनी बेस अप्लाई करके अपना आई मेकअप और अपना आईब्रो मेकअप कंप्लीट करते हैं। गाइज़ यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी हैंग फैंग के ग्लिटर से अपना
लाइक कट क्रीज आई लाइनर अप्लाई करूँगी मैं, हाफ कट क्रीज आई लाइनर अप्लाई करूँगी। हैंग फैंग के ग्लिटर्स में से मैंने ये सिल्वर ग्लिटर पिक किया है। सो यहाँ पे मैं हैंग फैंग का ग्लिटर ले रही हूँ और इसके जस्ट मैंने इस तरह से ब्रश पे लिया है और इसका मैं आई लाइनर अप्लाई करूँगी लाइक दिस, यू कैन सी। यहाँ पे जस्ट मैंने एक हाफ कट क्रीज जैसे आई लाइनर अप्लाई किया है, ये ड्राई हो जाए तो फिर मैं अपने आईज को ज़्यादा अच्छी तरीके से मूव कर सकूँगी। सी हैंग फैंग के आई शेडो ग्लिटर से आप अपना आई लाइनर भी क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए देन आई विल बी ईजी। फाउंडेशन के लिए मेरे पास है ग्लैमरस फेस की फाउंडेशन, ग्लैमरस फेस की लिक्विड फाउंडेशन और इसमें मेरा शेड है 01। लाइक मैं इसके दो पंप मैं हैंड पे लूँगी और इसमें मैं मिक्स करूँगी ग्लैमरस फेस का लिक्विड हाइलाइटर। जस्ट वन पंप मैंने लिक्विड हाइलाइटर ग्लैमरस फेस का ऐड किया। So guys, this part is tricky. I am applying highlighter here. सो गाइज वट न्यू थिंग आई विल डू इज़ आई हैव दिस ग्लिटर, ये ग्लिटर मेरे पास है, ये ग्लिटर इसका नाम है लव एल्फा। ये ग्लिटर मैंने एक इंस्टाग्राम पेज से बाय किया है, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये ग्लिटर बहुत ज़बरदस्त ग्लिटर है ये, इसको आप यहाँ पे आईज पे भी अप्लाई कर सकते हैं बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट लुक करूँगी वो अभी आप देखेंगे। ये इस तरह से जेल फॉर्म में है, लाइक इस तरह से है ये ग्लिटर, इट इज़ काइंड ऑफ अ जेल। आप इसको यहाँ पर भी आई लैशेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं बट व्हाट आई विल डू इज मैं इसको यहाँ अप्लाई करूँगी, तो नज़र भी नहीं आ रहा इधर आएगा, मैं इसको यहाँ अप्लाई करूँगी लाइक जिस एरिया पर मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है मैं इसे वहाँ अप्लाई करूँगी। लाइक दिस बहुत ही खूबसूरत ये जेल ग्लिटर है और इसकी शाइन इज जस्ट ऑसम। बट जब ये ड्राई हो जाता है तो ये लगाने के बाद फील होता है थोड़ा सा लाइक कि आपने एक लेयर अप्लाई की हुई है। इट इज़ अ गुड ग्लिटर, ये लॉन्ग लास्टिंग भी है पर जब आप इसको लगाते हैं एक लेयर जैसे आपको थोड़ा सा एक कड़क सा नहीं एक फील आता है इसके ड्राई होने के बाद कि यहाँ पे आपने कोई लेयर अप्लाई की हुई है। बट दिस इज़ बेस्ट एंड आई लैशेज मैंने अप्लाई नहीं की हैं बिकॉज मेरा आई लैशेज ग्लू ख़त्म हो गया है और मुझे पता ही नहीं था तो आई लैशेज में अप्लाई नहीं कर सकती। जस्ट मैंने मस्कारा अप्लाई किया है एंड आई हैव डन विद माई मेकअप।